दोस्तों अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी छोड़ दी। चेन्नई सुपर किंग को 4 बार चैंपियन बना चुके MS धोनी ने अचानक से कप्तानी छोड़ी और कप्तानी गई रविंद्र जडेजा के हाथों में। रविंद्र जडेजा होंगे अब पीली जर्सी के नए कप्तान। जडेजा ने बताया कि धोनी ने आखिर कप्तानी छोड़ने से पहले उनसे क्या बात की। जी हाँ दोस्तों, जडेजा ने कहा कि कप्तानी छोड़ने से पहले माही भाई मेरे पास आए। उन्होंने कहा, जड्डू क्या तू तैयार है? तो जड्डू ने पूछा, किस चीज़ के लिए माही भाई? तो दोस्तों यहाँ पे धोनी ने कहा, बस देखता जा, और फिर जाके उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। मैं अचानक से हैरान रह गया और माही भाई ने नया कप्तान बनाने के लिए मेरा ही नाम सबसे आगे दिया। इस बात से मैं खुश हूँ कि मैं CSK का नया कप्तान हूँ और धोनी मेरे साथ है। मुझे उनसे काफ़ी कुछ हमेशा ही सीखने को मिला है और कप्तानी में भी उनसे मैं राय मशवरा तो करता ही रहूँगा। खैर, माही भाई को लीड करना ये काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। ये CSK बहुत बड़ी टीम है और इसकी कप्तानी करना वाकई में दबाव वाली चीज़ है, लेकिन धोनी ने मुझे कहा है कि इसको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा प्लान्ड है। हम मैच से पहले ही पूरे IPL की प्लानिंग कर चुके होते हैं, यही धोनी का स्वभाव है। तो दोस्तों, जडेजा की ये बात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।